अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अहमद निसार फ्रॉम टाइटेनियम एजेंसी। व्यूअर्स, आज का जो मेरा मेजर टॉपिक है वो अल्कबीर टाउन का फेज 3 किंग्स टाउन के रिगार्डिंग है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बड़ी कोशिश की थी कि आपको इसका प्रॉपर ओवरव्यू दे दूं। चीज़ें काफ़ी हद तक कुछ क्लाइंट्स को नहीं क्लियर हुई, तो मैं दोबारा इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को एक अपडेट देना चाह रहा था कि किंग्स टाउन बेसिकली जो है सोसाइटी ने आज से 4 से 5 माह पहले लॉन्च किया था। और अल्कबीर टाउन एक बहुत ही फेमस सोसाइटी है, बहुत थोड़े टाइम में इन्होंने काफ़ी एक नाम बनाया अपना, क्योंकि जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका एक ही मकसद होता है कि वो जो भी चीज़ परचेज़ करें, चाहे वो प्लॉट हो, विला हो या आपका अपार्टमेंट हो, वो आपको कम से कम उस टाइम ड्यूरेशन में जितनी भी आपकी इंस्टॉलमेंट प्लान है, चाहे वो 3 साल का है, 5 साल का है, आपको कम से कम डिलीवर हो जाए। तो सोसाइटी ने यहाँ पर आके एक नया ट्रेंड सेट किया। सोसाइटी ने हाफ टाइम में अपने फेज 2 में, जो कि मेन रायवन रोड पर लेक सिटी के अपोजिट है, वहाँ पर उन्होंने पोजेशन बिफोर टाइम दिया है ABC ब्लॉक में। और वहाँ पर आज की डेट में जो प्राइसेस सोसाइटी ने 2017 में लॉन्च की थी, आज की डेट में वहाँ पर प्राइसेस अप टू आप कह सकते हैं कि 150-200 गुना बढ़ चुकी हैं। 15 लाख के रेट पर सोसाइटी ने 3 मल्ले का प्लॉट दिया था, जो आज की डेट में बाउंड्री वाला प्लॉट भी 30 से 32 लाख रुपये का हो चुका है AB और C ब्लॉक में। स्पेसिफिकली इसमें उस्मान ब्लॉक भी था, ई ब्लॉक भी था, और ई ब्लॉक में इस टाइम करंटली पोजीशन जो है वो 8 से 10 लाख ऑन हो चुकी है। जो भी एक अच्छे प्लॉट हैं वहाँ पर ई ब्लॉक में, वो भी 12 से 15 लाख ऑन पे जा चुके हैं। मतलब प्राइसेस आलमोस्ट जो बैक साइड वाले ब्लॉक हैं जो बाद में आते हैं ABC ब्लॉक के बाद, वहाँ पर प्राइसेस आपकी कम अज़ कम 100% बढ़ चुकी हैं। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। और इतने थोड़े ड्यूरेशन में प्राइसेस कैसे बढ़ती हैं? सोसाइटी एक ऐसी है कि जिसने 3 मरला के प्लॉट को इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले किसी भी सोसाइटी में, बहुत कम सोसाइटीज़ में 3 मरला की कैटेगरी थी, लेकिन रायवन रोड पर जो कि एक बहुत रशी एरिया है और सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ हैं उनका जो एक स्टैंडर्ड है, वो लेक सिटी को अगर आप देखते हैं या फ़ज़ाइया हाउसिंग स्कीम को देखते हैं, तो ज़्यादातर कैटेगरी 10 मरला कनाल की हैं या 5 मरला की हैं, और आगे जाके बैरिया ऑर्चर्ड आता है तो वहाँ पर तो 3 मरला का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इस रोड पर 3 मरले को इंट्रोड्यूस करवाया, लो बजट क्लाइंट को टारगेट किया गया, और उस लो बजट क्लाइंट को ये फ़ायदा हुआ कि वो अगर आप रेंट पे रहते हैं या अपना घर नहीं बना सकते, तो सोसाइटी ने आपको ऐसा एक मौका फ्राहम किया कि जिसकी वजह से आप लोगों ने अपना वहाँ पर घर बना लिया। इन्वेस्टर हज़रात को बहुत फ़ायदा हुआ जिन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, उनकी जो प्राइसेस हैं वो 4-1 साल में बहुत अच्छी डेवलप हुई। अगर हम कमर्शियल सेक्टर की बात करते हैं, तो जो सोसाइटी ने फेज 2 के अंदर कमर्शियल दिया था 55 लाख रुपए का, वो आज की डेट में प्राइसेस उसकी हो चुकी हैं अराउंड 1 करोड़ 70 लाख से लेकर 2 करोड़ के प्लस माइनस। तो एक बड़ी अच्छा बूम है। और इस कमर्शियल एरिया की वजह से और इस सोसाइटी की वजह से एक ऐसा ट्रेंड सेट हुआ कि लोगों को किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हुए पहला सवाल यही होता है कि हमें डिलीवर कब होगा, हमें प्लॉट हमारा कब मिलेगा। आप आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी है जो जिसने अभी तक लोगों से रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट किस्तों की सूरत में लेनी है, पर उसके बदले में वो उन्होंने प्लॉट आप लोगों को डिलीवर कर दिए हैं। आप अगर बात करें इस 3 मरला 5 मरला की कैटेगरी में, तो आप एक सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको वाइड रोड दे, आपको इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड दे? तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि इस सोसाइटी के अंदर जहाँ पर 3 मरला 5 मरला कैटेगरी है, तो सोसाइटी ने हर तरह के मॉडर्न स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का, किसी भी लाइक बैरी टाउन या DHS को कॉपी करते हुए उन्होंने सारी चीज़ें वही दी हैं कि आप अपना जो है इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप है इसके अंदर, प्लस आपको वाइड रोड दी गई हैं। इतनी छोटी सोसाइटी के अंदर उन्होंने पार्क दिए हैं, एक बड़ा पॉजिटिव एक चीज़ है ये सोसाइटी के अंदर। उन्होंने इतनी बड़ी एक मस्जिद बनाई है जो इनकी जामा मस्जिद है, और साथ ही अली ब्लॉक के अंदर भी वो मस्जिद बनाने जा रहे हैं। और अल्कबीर टाउन ने इसी फेज़ 2 के अंदर आपको स्कूलिंग सिस्टम से भी इंट्रोड्यूस करवाया है। ये भी एक बड़ी हैरानकुन बात है कि 3 मरला 5 मरला की कैटेगरी के अंदर आपको सारी जो सहूलियत हैं वो एक स्टैंडर्ड वाली सोसाइटीज़ की दी जा रही हैं। और अब हम बात करते हैं फेज़ 3 की। तो फेज़ 3 में इन्होंने जो लैंड एक्वायर की है वो अराउंड 650 कनाल है। जो लैंड एक्वायर करते हैं ये लोग, उसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, और ये इस सोसाइटी को, इस फेज़ 3 को एक बहुत बड़ा पैमाने पे लेके जाने लगे हैं, क्योंकि फेज़ 2 में इनके पास लैंड का इशू था, लैंड इतनी नहीं मिली। फेज़ 1 में इनका बहुत छोटा था। डिलीवर्स का इनको इशू नहीं है क्योंकि इनकी मशीनरी अपनी है, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी भी सोसाइटी की मशीनरी अपनी हो। अब इन्होंने फेज़ 3 को लॉन्च किया। फेज़ 3 में वही कैटेगरी 3 मरला 5 मरला, एक लो बजट क्लाइंट को उन्होंने फिर से टारगेट किया, और वही लो बजट क्लाइंट ने जहाँ पर प्लॉट लिए वहाँ पर अभी जो प्लॉट भी नंबर्स की डील है वो 2-3 लाख से लेकर 9-10 लाख ऑन उस पर आ चुका है। और फिर से एक दफ़ा जिन लोगों ने वहाँ बाइंग की उनको शॉर्ट टर्म में बहुत एक अच्छा फ़ायदा हुआ। सोसाइटी ने साथ ही साथ उन लोगों को भी एक ऑफ़र की, 3 मरला 5 मरला के प्लॉट बुक करवाएं आप, जिसकी डाउन पेमेंट आपको ऑन स्क्रीन
नज़र आ रही होगी, 3 महीने की डाउन पेमेंट इन्होंने 3 लाख रखी, जिसकी टोटल प्राइस 21 लाख है, और 5 महीने की प्राइस जो है इन्होंने 35 लाख रखी, जिसकी डाउन पेमेंट 4 लाख है। 16,000 रुपये किस्त है 3 महीने की अराउंड, और 25,000 रुपये किस्त है 5 महीने की। एक बहुत ही नॉमिनल रेट पे उस रोड पे जहाँ पर 5 मरला अराउंड लेक सिटी में 75 से 80 लाख रुपये का हो चुका है, बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर 40 से 45 लाख रुपये का अच्छा प्लॉट हो चुका है, और अलकबीर टाउन का फेज़ 2 जहाँ पर 5 मरले की प्राइसिस 45 से 55 लाख इन बिटवीन हो चुकी है। इन्होंने फिर आपको एक मौका दिया कि आप इंस्टॉलमेंट पे अपने प्लॉट्स वहाँ बुक करवाएं, और वो लोग जिन्होंने अपने घर नहीं बनाए पास में उनके पास फिर एक मौका है। सोसाइटी एज सच उसी चीज़ों को लेके चल रही है, लेकिन पहले से अच्छा काम करने की कोशिश में जो मज़ीद पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ये हैं कि इन्होंने इसके अंदर एक आर्टिफिशियल लेक का भी प्लान किया है, जिसके ऑलरेडी सोसाइटी ने कमर्शियल 2 मरला के और 4 मरला के इंट्रोड्यूस करवाए हैं। जो लोग अपने कमर्शियल में बुकिंग करवाना चाहते हैं वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि सोसाइटी किसी भी सोसाइटी का जो मेन जो आपका एक बेनिफिट होता है वो कमर्शियल में ही होता है, और कमर्शियल में बेनिफिट तभी होता है जब सोसाइटी जल्दी डेवलप हो, जल्दी वहाँ घर बने। तो जो प्रैक्टिस है 2016 में फेज़ 1 की और 2017 में फेज़ 2 की, वो यही कहती है कि इसमें कमर्शियल भी जो अपॉर्चुनिटी है वो भी बहुत मुनासिब रेट पर है। प्लस आपके पास फिर से एक मौका है 3 मरला 5 मरला की कैटेगरी में अपने प्लॉट बुक करवाएं, और जिन लोगों ने अपने घर नहीं बनाए हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट से फेज़ 2 में वो रह चुके हैं, जो कहते हैं हम 10 से 20 लाख ऑन नहीं पे कर सकते, तो उनके पास राइट टाइम एक डिसीजन है। ओवरसीज़ क्लाइंट इसमें अपनी बुकिंग बहुत आसानी से करवा सकते हैं, उनकी किसी किस्म की फिज़िकली अपीयरेंस की ज़रूरत नहीं होती, और जो हम लोगों ने टाइटेनियम एजेंसी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है इस बुकिंग के प्रोसेस को, वो बहुत ही ईजी है। इसमें आप अपने घर दुनिया में कहीं भी बैठे हों अपनी प्लॉट की बुकिंग करवा सकते हैं। मज़ीद आपको कोई डिटेल चाहिए हो अलकबीर टाउन फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के बारे में, इनका एक अपकमिंग प्रोजेक्ट फेज़ 4 जो कि पाइपलाइन में है वो भी लॉन्च होने वाला है, आप उसके बारे में कोई डिटेल लेना चाहते हो, अपनी बुकिंग करवाना चाहते हो, या आप अपना किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी के रिलेटेड अपने को सजेशन चाहते हो, तो आपको ऑन स्क्रीन मेरा नंबर नज़र आ रहा होगा, आपने कॉल कर सकते हैं। ओवरसीज़ क्लाइंट मुझे सेम नंबर पर व्हाट्सअप ईमो पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।